तो हेलो गाइस, माय नेम इज रोवेन, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्स। तो आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे को और बहुत ही ऑसम वीडियो में। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़। हम सबको पता है कि रेसलमेनिया बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रेसलमेनिया रीवाइंड। अब हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो रेसलमेनिया की हिस्ट्री में होती आई हैं। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहली वीडियो इसी पे बनाई, रोमन रेंस पे, क्योंकि यार रोमन रेंस से हम सबको प्यार है, मुझे भी बहुत पसंद, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो आज हम बात करेंगे रोमन रेंस के कुछ ऐसे रेसलमेनिया मोमेंट्स की जो मतलब बहुत ही अमेजिंग थे और हमें मज़ा आया था यार उन्हें देख के। और मैंने रैंक भी ऐसे करूँगा, मतलब जो सबसे कम अच्छी है वो मैं सबसे पहले रखूँगा और जो सबसे बढ़िया है मतलब सबसे बेस्ट मोमेंट है वो सबसे यहाँ पे लास्ट में रहेगी। तो यार इस वाली वीडियो में बहुत सारा मसाला होने वाले हैं, खासकर अगर आप रोमन रेंस के फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और इस वाली सीरीज़ का नया पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये वाली लिस्ट मैंने रैंक करी है, मैंने खुद के मन से यहाँ पे कुछ भी रैंक नहीं किया, मैंने यहाँ पे रैंक करी है कि उस मैच की यहाँ पे रेटिंग कैसी थी और एंटरटेनमेंट उसमें हमें कितना मिला, मतलब लोग कितने एंटरटेन हुए उस वाले मैच को देख के और उस वाली मूवमेंट को देख के। तो यहाँ पे 7th नंबर पे आता है शील्ड डिस्ट्रॉइंग न्यू एज आउटलॉस एंड केन। अब इसमें क्या होता है कि रेसलमेनिया 30 की ये बात है और यहाँ पे मतलब मैं आपको बता दूँ शील्ड का पहला रेसलमेनिया नहीं था, पर भाई क्या डोमिनेट किया था उन्होंने। यहाँ पे बेसिकली न्यू एज आउटलॉस, बिली गन्स और रॉड डॉग होते हैं और यहाँ पे केन होते हैं। और भाई 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास एक कुछ मैच चला था और यहाँ पे शील्ड ने यहाँ पे ट्रिपल पावर बॉम्ब लगा दिया था, दोनों बिली गन्स और रोड डॉग दोनों को लगा दिया था और शील्ड एकदम से मतलब 3-4 मिनट के अंदर ही जीत गई थी। भाई बहुत ही इनसेन वो वाली मोमेंट थी। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यार रोमन रेंस अकेले नहीं थे मतलब उस वाले मोमेंट में, लेकिन फिर भी यार शील्ड का पार्ट थे और बहुत डोमिनेटिंग था वो वाला। इस वाले मैच को भी यहाँ पे 2 स्टार की रेटिंग मिली थी, मतलब रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2 स्टार की रेटिंग थी और यहाँ पे डोमिनेट बहुत ज़्यादा कर दिया था, इसलिए वो वाली जो यहाँ पे मोमेंट है वो मेरी लिस्ट में ज़रूर आती है। तो ये आती है यहाँ पे 7वें नंबर पे। यहाँ पे 6ठे नंबर पे आती है रोमन डिस्ट्रॉयड ड्रू मैकइंटायर। अब ये वाली मोमेंट है यहाँ पे रेसलमेनिया 35 की। अब यहाँ आपको ये बता दूँ इस वाले मैच की रेटिंग भी 2 स्टार ही थी, लेकिन ये मैच अच्छा खासा 10-11, 10-12 मिनट तक ये मैच चला था और भाई रोमन रेंस ने आखिरी में स्पेयर लगा के यहाँ पे मैच खत्म कर दिया था। और भाई मैं आपको ये भी बता दूँ ड्रू मैकइंटायर उस टाइम इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन फिर भी रोमन रेंस ने बहुत आसानी से यहाँ पे हरा दिया था। ये वाली मोमेंट आती है यहाँ पे 6ठे नंबर पे। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे आती है शील्ड डिस्ट्रॉइंग रैंडी ऑर्टन, शेमस एंड बिग शो। अब ये वाली बात हो रही है रेसलमेनिया 29 की। मैं आपको ये बता दूं कि रेसलमेनिया डेब्यू मैच था इनका यहाँ पे शील्ड का, मतलब पहली बार रेसलमेनिया के यहाँ पे रिंग में यहाँ पे लड़ रहे थे वो लोग और भाई ऐसा डोमिनेट कर दिया था, मतलब बिग शो भी पागल हो गए थे यार ये कितनी बुरी तरीके से हम हार रहे हैं। और बिग शो ने आखिरी में हारने के बाद गुस्से में आके अपने ही टीममेट मतलब रैंडी ऑर्टन और शेमस को ही पेल दिया। तो भाई ये वाली मूवमेंट भी बहुत अच्छी थी, इसको यहाँ पे स्टार मिले थे 2.5 की। अब मैं आपको ये बता दूं अगर आपको कुछ मैच देखना है ना तो आप ये वाला मैच जरूर देखिएगा शील्ड का। अब यहाँ पे 4वें नंबर पे यहाँ पे मोमेंट आती है रिटायरिंग द डेड मैन। अब मैं आपको ये बता दूँ कि अंडरटेकर एक्चुअल में वहाँ पे उस टाइम पे रिटायर नहीं हो गए थे उनसे हार के रोमन रेंस से, लेकिन फिर भी भाई रोमन रेंस ने इतना उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया तो हमें भी यार अंडरटेकर की हालत देख के मेरे को रोना आ रहा था यार क्या हो रहा है डेड मैन को, वो डेड मैन नहीं लग रहे थे और रोमन रेंस ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे डोमिनेट कर दिया था। इस वाले मैच को यहाँ पे रेटिंग मिली थी 3.5 की और सच में 3.5 वाला मैच जो है डिजर्व करता है भाई, बहुत इनसेन मैच था, आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा तो। ये वाला मैच अच्छा खासा यहाँ पे 23-25 मिनट तक यहाँ पे मैच चला था, रेंस यहाँ पे जीत गए थे और आखिरी में यहाँ पे जो मतलब उन्होंने स्पेयर मारे यहाँ पे इस वाली मतलब सामने वाली रोप पे जाते हैं फिर इस वाली रोप पे फिर यहाँ आखिरी में स्पेयर आता है, बहुत ही इनसेन यहाँ पे मूवमेंट थी। इस वाले मैच को यहाँ पे रेटिंग मिलती है 3.5 की और अच्छा मैच था यार ये काफी। अब यहाँ पे 3रे नंबर पे आती है स्लेइंग द बीस्ट। अब यहाँ पे इस वाले मैच को 3 स्टार की रेटिंग यहाँ पे मिली थी, बात हो रही है रेसलमेनिया 34 की और भाई क्या ही मैच था, मतलब यहाँ पे रोमन रेंस हार गए थे, मैं आपको ये बता दूं कि वो जीते नहीं थे इस वाले मैच में, लेकिन भाई मतलब उन्होंने सारी चीजें कर दी थी, मतलब लेसनर को कितने सारे स्पेयर मार दिए, लेसनर ने उस टाइम उन्हें 5 F5 मारे, 5 × F5, भाई बहुत ही इनसेन मूवमेंट थी, लेकिन फिर भी एंड में रोमन रेंस फिर भी उठते रहे, लेकिन यार ऑब्वियसली यहाँ पे आखिरी में लेसनर जीते गए, पर भाई बहुत इनसेन यहाँ पे मूवमेंट थी। अगर आपको कुछ मजा आता है इनसेन मैचेस देखने में, एक्सट्रीम मैचेस देखने में, ये वाला मैच आपको जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे 2रे नंबर पे आता है स्लेइंग द किंग। अब यहाँ पे हम सबको किंग से पता चला है कि मैं ट्रिपल एच की बात कर रहा हूँ, बात हो रही है यहाँ पे रेसलमेनिया 32 की। इस वाले मैच में आपको पहले बता दूँ 3.25 की यहाँ पे रेटिंग मिली थी और भाई क्या ही मैच था वो, मतलब ट्रिपल एच ने अपने पूरा जोर लगा दिया था यहाँ पे रोमन रेंस को हराने का, लेकिन वो रोमन रेंस को नहीं हरा पाए थे। यहाँ पे मैच जो था वो हो रहा था यहाँ पे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए और यहाँ पे रोमन रेंस ने बहुत ही आसानी से, मतलब आसानी से भी नहीं मैं कहूँगा, बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे ट्रिपल एच को हरा दिया था और किंग को यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल स्ले कर दिया था और रोमन रेंस यहाँ पे जीत गए थे हैवीवेट चैंपियनशिप। 3.2 की यहाँ पे रेटिंग मिली थी और बहुत ही अच्छा मैच था। अब यहाँ पे जो पहले नंबर पे यहाँ पे मैच आता है, अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाली जो मूवमेंट है पहली बात तो ये रेटिंग वाइज भी सबसे अच्छी है, प्लस अगर आपको सच में कुछ एंटरटेनमेंट वाइज देखना है ना तो आप ये वाला मैच आपको जरूर देखना चाहिए। आई होप आपने देखा होगा ये वाली मूवमेंट है
ग्रेटेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन ऑफ ऑल टाइम। अब यहाँ पे मैच यहाँ पे चल रहा होता है रेसलमेनिया 31 में, रोमन रेंस वर्सेस यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का। अगेन यहाँ पे वो रोमन रेंस यहाँ पे हार गए थे, पर क्या मैच था भाई वो। मतलब रोमन रेंस अपनी पूरी एडी चोटी का यहाँ पे जोर लगा दिया था यहाँ पे लेसनर को हराने के लिए, पर वो भी बीस्ट है। मतलब हमें ये दिख रहा था यहाँ पे, यहाँ से सुपरमैन पंच आ रहा है, वहाँ से सुप्लेक्स सिटी आ रही, बहुत अच्छा मैच था। पर एंड में यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते हैं और वो यहाँ पे कैश इन कर लेते हैं मनी इन द बैंक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, और वो यहाँ पे हैवीवेट चैंपियनशिप ले जाते हैं। यहाँ पे जो रोमन रेंस है वो थोड़े हमें सैड भी दिखता है, ये मत समझेगा कि सैड है तो इसे पहले नंबर पे क्यों रख दिया यार, वो तो जीते भी नहीं है भाई। एंटरटेनमेंट वाइज बहुत ही ऑसम यहाँ पे मैच था, आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। प्लस इस वाले मैच की यहाँ पे रेटिंग मिली है 4.5 स्टार्स की, जो कि अपने आप में बहुत ही इंसेन है। मतलब 5 में से 4.5 स्टार मिलना बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मैंने आपको सारी यहाँ पे अमेजिंग मोमेंट्स बता दिए रोमन रेंस के यहाँ पे रेसलमेनिया की हिस्ट्री की। आपकी फेवरेट कौन से नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। प्लस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वाली सीरीज का नया एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।